नमस्कार सभी को, जो उपस्थित सभी जनों को का अभिनंदन करती हूँ। मैं रंजना माथुर, अजमेर राजस्थान से। आज सर्वप्रथम जन सरोकार मंच और आदरणीय देवेंद्र जोशी सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित और समृद्ध मंच पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी को नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए मैं माँ सरस्वती जी का आह्वान करती हूँ। मुकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माँ सरस्वती जी वह देवी हैं जिनके बिना ना हमें स्वर मिलता ना शब्द। स्वर शब्द सुर संगम, ये सभी हमें इनसे प्राप्त हुआ है और हमारे कंठ में ये आवासी है, तभी हमारी जीवा शब्दों को उच्चारित कर पाती है। नमस्कार गीता जी, बहुत स्वागत है। तो मैं माँ सरस्वती जी का आह्वान करते हुए सरस्वती वंदना जो मैंने लिखी है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। जय माता शारदे। बुद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली, बुद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली, तुमको हर ले तू रोशनी दे तू, तुमको हर ले तू रोशनी दे तू, तेरे चरणों की दासी मैं माता, जय हो श्वेत वसनी शारदे माता, जय हो श्वेत वसनी शारदे मा शारदे माता। एक कर वीणा दूजे पुस्तक है, एक कर वीणा दूजे पुस्तक है, चरण तेरे है मेरा मस्तक है, चरण तेरे है मेरा मस्तक है, तू तो है माता बुद्धि की प्रदाता, जय हो श्वेत वसनी शारदे माता, जय हो श्वेत वसनी शारदे मा हे शारदे माता। सुमति देती है कुमति को मिटाती, सुमति देती है कुमति को मिटाती, हम है निर्बुद्धि शरण तेरी आते, हम है निर्बुद्धि शरण तेरी आते, हम है निर्बुद्धि शरण तेरी माता, जय हो श्वेत वसनी शारदे माता, जय हो श्वेत वसनी शारदे मा हे शारदे माता। प्रेम का दरिया तू बहा देना, प्रेम का दरिया तू बहा देना, बैर दुनिया से तू हटा देना, बैर दुनिया से तू हटा देना, तेरी करुणा के गीत उर गाता, जय हो श्वेत वसनी शारदे माता, जय हो श्वेत वसनी शारदे मा हे शारदे माता। देवी सरगम की राग और सुर की, देवी सरगम की राग और सुर की, तू ही सब तक है धुन है नूपुर की, तू ही सब तक है धुन है नूपुर की, तू ही सृष्टि है तू ही है विधाता, जय हो श्वेत वसनी शारदे माता, जय हो श्वेत वसनी शारदे मा हे शारदे माता। जय माँ शारदे। अब माँ शारदे के आह्वान के बाद मैं अपना परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सब वैसे तो मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नए जुड़े हैं मुझसे जो शायद नहीं जानते हूँ मुझे, तो मैं उनके को अपना परिचय देती हूँ। मैं रंजना माथुर अजमेर राजस्थान से हूँ और राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मैं भारत संचार निगम लिमिटेड से ओएस के पद से रिटायर्ड हुई हूँ और
उसके बाद ये अपना कुछ समय मैंने लेखन में समर्पित किया है माँ शारदे को। वैसे तो ये रुचि थी मेरी पहले से, लेकिन विवाह उपरांत कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, आप सभी जानते हैं, जिम्मेदारियाँ घर की भी और सरकारी सेवा में थी उसकी भी और सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी। इस वजह से ये मेरा इससे नाता टूट सा गया था एक तरह से, जो अब वापस जुड़ा है और माता की कृपा से चल रहा है। अभी मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, एकल काव्य संग्रह है खुशबू एहसासों की, इसके अलावा 14 साझा संग्रह और एक साझा संग्रह है जो संस्मरण का है, बाकी सब काव्य संग्रह हैं, ये मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये सब आप लोगों की शुभकामनाओं से, माँ सरस्वती की कृपा से हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस शानदार मंच को, सरोकार मंच को, मैं एक मुक्तक पेश करके और कुछ उनको समर्पित कर रही हूँ, जो आप सुनिएगा। बिखरा है चहुदिश यहाँ, बिखरा है चहुदिश यहाँ, चाले स्वार्थ प्रपंच, बिखरा है चहुदिश यहाँ, चाले स्वार्थ प्रपंच, भाई शत्रु बन लड़ रहे नहीं उन्हें दुख रंच, भाई शत्रु बन लड़ रहे नहीं उन्हें दुख रंच, ऐसे में जन स्वर बनकर, ऐसे में जन स्वर बनकर कर रहा परोपकार, ऐसे में जन स्वर बनकर कर रहा परोपकार, कार्य आपका सराहनी हे मंच सरोकार। सरोकार मंच को मैं नमन करती हूँ और इसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाती हूँ मैं। बेटियाँ हमें बहुत प्यारी होती हैं, बेटी संसार की रौनक है, घर बार की रौनक है। कहते हैं कि बेटे तो पिता की कोई ज़मीन बांटते हैं और बेटी पिता का दुख बांटती है, यह कहा जाता है अक्सर, और वाकई में ये बात 70% तो ये बात सही लागू होती है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटे ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे खुद के 3 बेटे हैं और बहुत प्यारे और बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही अपना स्नेह लुटाने वाले हैं। तो मैं बेटियों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ अपने शब्दों में, आप सुनिएगा। एक मनोहर घनाक्षरी मैंने लिखी है बेटियों के ऊपर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बेटी है स्वर्ग की परी, बेटी की बगिया है हरी, बेटी ही से पीढ़ी तरी मान उसे दीजिए। बेटी है स्वर्ग की परी, बेटी बगिया है हरी, बेटी से ही पीढ़ी तरी मान उसे दीजिए। बेटी को दे दो सम्मान, न करो उसका दान, बेटी को दे दो सम्मान, न करो उसका दान, नहीं वो कोई सामान प्यार उसे दीजिए, नहीं वो कोई सामान प्यार उसे दीजिए। धन्यवाद गीता जी। बेटी नहीं जिस घर ईश की नहीं मेहर, बेटी नहीं जिस घर ईश की नहीं मेहर, बेटी सुख की लहर भ्रूण हत्या रोकिए, बेटी सुख की लहर भ्रूण हत्या रोकिए। बेटी प्रभु का प्रसाद, बेटी से घर आबाद, बेटी प्रभु का प्रसाद, बेटी से घर आबाद, वह भी रहे आजाद बेटी को पढ़ाइए, वह भी रहे आजाद बेटी को पढ़ाइए। बेटी पर जो कुदृष्टि उससे न खुश सृष्टि, बेटी पर जो कुदृष्टि उससे न खुश सृष्टि, दंड की ही होगी वृष्टि श्राप मत लीजिए, दंड की ही होगी वृष्टि श्राप मत लीजिए। सुखों का करो वरण बेटी के पूजो चरण, सुखों का करो वरण बेटी के पूजो चरण, मिलेगी प्रभु शरण मोक्ष आप पाइए, मिलेगी प्रभु शरण मोक्ष आप पाइए। तो
बेटियों को समर्पित थी ये लाइने, और आप देख ही रहे हैं आज समाज में बेटियां कितने गौरवशाली कार्य कर रही हैं और घर का नाम रोशन कर रही हैं। भारत की बेटियां जिनको आप जानते ही हैं, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी, किन किन के नाम गिनाए आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बेटियां किसी काम में पीछे नहीं हैं। और आपने देखा होगा बोर्ड के रिजल्ट्स जो आते हैं, जो भी आपने देखे होंगे, उसमें हमेशा बेटियां ही बाजी मारती हैं। तो बेटियों को मौका दीजिए, बेटियों के लिए अच्छे रास्ते निकालिए, उनके लिए राहें आगे दीजिए, ताकि वो अपने पंखों को परवास दे सकें और ऊंची उड़ानें ले सकें। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा गीत। अब आजकल तो रूबरू मिलना इसी तरह होता है हमारा। कोरोना ने जो तहलका मचा रखा है, कोरोना के कारण सभी एक तरह से घर में कैदी हो गए हैं, मिलना जुलना सब बंद। और कई बार तो पहले तो काफ़ी घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन अब क्या है, 4-5 महीने हो गए, कुछ ऐसा लगता है कि चलो अब रफ्त में आ गई ये चीज़ें, इनको तो करना ही पड़ेगा, इस बीमारी को अगर भगाना है तो। समझदारी इसी में है कि हम पूरा इन चीज़ों का पालन करें, मास्क का पालन करें, सैनिटाइज़र लें, और जो भी दूरियां, सामाजिक दूरियां बनाकर रखें, ज़रूरत ना हो तो किसी से नहीं मिलें, आवश्यकता अनुसार ही निकलें। शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब कार्यक्रम को की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बदलाव करते हुए एक गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सम्मुख। तो ये मैंने करीब 6 महीने पहले लिखी थी, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे आपको सुनाना चाहिए। ये कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी तो आनंद भी आएगा, हम आपको सुनने में भी, मुझे सुनाने में भी। तो प्रस्तुत है ये गज़ल, आप देखिए, आपको पसंद आएगी शायद। कफ़स में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है, कफ़स में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है, कि घुटती जिंदगी में सांस आना भी ज़रूरी है। कफ़स में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है, कि घुटती जिंदगी में सांस आना भी ज़रूरी है। अगला शेर देखिए, करो तुम बागवां बन करके, करो तुम बागवां बन करके रखवाली ख्याबा की, करो तुम बागवां बन करके रखवाली ख्याबा की, कि मुरझाए गुलों में जान लाना भी ज़रूरी है, कि मुरझाए गुलों में जान लाना भी ज़रूरी है, कफ़स में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है। अगला शेर देखिए, गमों की धूप है बादल, सुखों के भी तो बरसेंगे, गमों की धूप है बादल, सुखों के भी तो बरसेंगे, विदाई रात की हो भोर आना भी ज़रूरी है, विदाई रात की हो भोर आना भी ज़रूरी है, कफ़स में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है। कभी ऐसा मिले कोई, कभी ऐसा मिले कोई जिसे मेरी ज़रूरत हो, कभी ऐसा मिले कोई जिसे मेरी ज़रूरत हो, भरोसा जहन में उसके, भरोसा जहन में उसके जगाना भी ज़रूरी है। बचा लो हाथ देकर डूबते को तुम सहारा दो, बचा लो हाथ देकर डूबते को तुम सहारा दो, कि सीरत में तेरी ईमान आना भी ज़रूरी है, कि सीरत में तेरी ईमान आना भी ज़रूरी है। एक और शेर देखिए, रखो उतने ही नाते, रखो उतने ही नाते जो कि तुमको रास आ जाएं, रखो उतने ही नाते जो कि तुमको रास आ जाएं, बनाते हो अगर रिश्ता निभाना भी ज़रूरी है, बनाते हो अगर रिश्ता निभाना भी ज़रूरी है। और
इसका आखिरी शेर है, नहीं कोई किसी का, नहीं कोई किसी का है कहे रंजन सुनो तुमसे, नहीं कोई किसी का है कहे रंजन सुनो तुमसे, नकाबों से यहाँ चेहरे सजाना भी ज़रूरी है, नकाबों से यहाँ चेहरे सजाना भी ज़रूरी है, कफ़स में बंद पंछी को उड़ाना भी ज़रूरी है, कि घुटती जिंदगी में सांस आना भी ज़रूरी है। धन्यवाद, उम्मीदें पसंद आई होगी आपको। ये मैं अब अपनी जो पुस्तक लिखी हुई है मैंने खुशबू एहसासों की, इसमें से कुछ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ आपको। अभी कुछ समय बाद हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा ये आने वाले 14 सितंबर को अपने यहाँ हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह कहीं हिंदी पखवाड़ा, कहीं हिंदी दिवस। देखिए कितनी विडंबना है हमारी भाषा की, हमारी प्यारी हिंदी की, कि अपने ही देश में उसको अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों से उसके समर्थन में लिखवाया जाता है, उसके बाद उसके लिए पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं और ये आग्रह किया जाता है कि आप हिंदी में काम करें, हिंदी में बोलें और हिंदी को अपनाएं। ये तो हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, लेकिन यह घर घर की कहानी है कि हम हिंदी बोलते हैं, घर में हिंदी बोलते हैं, बच्चों से हिंदी बोलते हैं, बरसों से हिंदी बोलते आ रहे हैं और 70% लोगों के घरों में हिंदी ही बोली जाती है। उसके बावजूद भी हम अपने संतानों को इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी एक कमज़ोरी मानी जाती जा रही है। जब से ही अंग्रेज़ों का शासन आया है हमारे यहाँ, हमारे सिर पर अंग्रेजी का भूत सवार हो गया है और इतनी बुरी तरह चढ़ा है वो कि वो उतरने का नाम नहीं लेता। हिंदी को उसका स्थान मिल ही नहीं पाता। हिंदी हमारी 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन गई थी, लेकिन उसको वो स्थान नहीं मिला। अंग्रेजी उससे चिपकी रही, 15 वर्षों के लिए उसको साथ दिया था, लेकिन वो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम उस चीज़ को बहुत सम्मान देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे ही मानते हैं। जबकि अभी ताज़ा समाचारों के अनुसार आप देख रहे हैं, अभी हमारे मौजूद प्रधानमंत्री जो प्रबुद्ध हैं बहुत और बहुत ही देश प्रेमी हैं, उनको हमने हर जगह हिंदी में भाषण देते हुए देखा है। इसके पूर्व अटल बिहारी जी, सुषमा स्वराज जी, ऐसे कई लोग हैं जो कि बाहर हर भाषा, हर देश में अपनी हिंदी भाषा को ही उपयोग मिलाते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भी हिंदी को ही अपनाएं और अपने बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ना भेजकर हमारे सरकारी विद्यालयों में भेजें और इस हिंदी से पीछे, इंग्लिश से पीछे छुड़ाएं अपना। लेकिन ये सब और धीरे धीरे होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 50 वर्ष तो इस चीज़ में लगने ही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं हिंदी की तरफ से हिंदी के दर्द को अपने शब्दों में पिरोकर हिंदी की तरफ से कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ, आप सुनिए। ये मैंने अपनी पुस्तक खुशबू एहसासों की से लिया है, इसको शीर्षक दिया है मैंने आह्वान हिंदी का। आओ भारतवासी आओ, आओ भारतवासी आओ, माँ की करुण पुकार सुनो। आओ भारतवासी आओ, माँ की करुण पुकार सुनो, हिंद देश के हिंदुस्तानी हिंदी का आह्वान सुनो। बुला रही है तुम्हें तुम्हारी मातृभाषा पुकार कर, बुला रही है तुम्हें तुम्हारी मातृभाषा पुकार कर, कि मेरे बेटे मेरे घर में मेरा भी उद्धार कर, कि मेरे बेटे मेरे घर में मेरा भी उद्धार कर। अरे सपूतों, अरे सपूतों, अपनी माँ का भी कर लो कुछ ध्यान सुनो। अरे सपूतों, अपनी माँ का भी कर लो कुछ ध्यान सुनो, हिंद देश के हिंदुस्तानी हिंदी का आह्वान सुनो। ममता जाट जी नमस्कार। आप अपने ही गृह नगर में, अपने ही गृह नगर में, अपनी धरती में वह धूमिल हुई, अपने ही गृह नगर में, अपनी धरती में वह धूमिल हुई,
और औरों को सब कुछ बनवाकर खुद गैरों में शामिल हुई। आज स्वयं की ही पहचान खुद ढूंढ रही प्यारी हिंदी। आज स्वयं की ही पहचान खुद ढूंढ रही प्यारी हिंदी, जबकि उसको होना था भारत माँ के भाल की बिंदी। जबकि उसको होना था भारत माँ के भाल की बिंदी। यह ले लो संकल्प कहीं ना हिंदी का अपमान सुनो। यह ले लो संकल्प कहीं ना हिंदी का अपमान सुनो। हिंद देश के हिंदुस्तानी हिंदी का आह्वान सुनो। आओ प्यारे भारतवासियों अपनी मातृभाषा के पास, उसे उसका स्थान दिलाओ जिसकी कर रही वह कब से आस। आओ प्यारे भारतवासियों अपनी मातृभाषा के पास, उसको उसका स्थान दिलाओ जिसकी कर रही वह कब से आस। हमें प्रतिज्ञा करनी होगी यदि करते हम मातृभाषा से प्यार। हमें प्रतिज्ञा करनी होगी यदि करते हम मातृभाषा से प्यार। वह अधिकार दिलाना होगा जिसकी है वह असली हकदार। वह अधिकार दिलाना होगा जिसकी है वह असली हकदार। करो कुछ ऐसे जतन कि विश्व में हिंदी का यशगान सुनो। हिंद देश के हिंदुस्तानी हिंदी का आह्वान सुनो। हिंद देश के हिंदुस्तानी हिंदी का आह्वान सुनो। अंतिम पंक्तियां हैं, माँ का जो स्थान है गृह में वह कहलाता है सर्वोच्च। माँ का जो स्थान है गृह में वह कहलाता है सर्वोच्च, और हिंदी हमारी मातृभाषा, स्थान है उसका सबसे उच्च। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत आभार आपका। क्वारंटाइन पीरियड और ये जब लॉकडाउन पीरियड था उस टाइम की बात है कि बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे ही बहुत बोर हो गए थे और बहुत निराशा उनके बातों में झलकती थी। मेरी छोटी सी दोहती है, 5 साल की है, वो इतनी परेशान हो गई कि जो कि कभी स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखती थी, वो बोली मम्मी से, मम्मी ये इस बार के क्या समर वेकेशन कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए। तो फिर उसकी माँ ने समझाया कि बेटा ये बीमारी चल रही है, इसकी वजह से हमें बाहर नहीं निकलना है और सभी काम ऑनलाइन आपको किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो बड़े से लेके बच्चे तक बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन ये बीमारी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें ईश्वर से कि यह सब इन बीमारियों से, इन परेशानियों से छुटकारा मिले, हम आपस में एक दूसरे से मिले जुले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और ये अब सहन शक्ति से बाहर हो गई ये बात, मेरा तो ऐसा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं? प्रज्ञा सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद मुकेश जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी देशभक्ति पर वापस जा रही हूँ, क्योंकि अभी 15 अगस्त गया है और उसका जो सुरूर है, जो दिमाग पर चढ़ा हुआ है, वो अभी गया नहीं है पूरी तरह। अगस्त तो रहेगा वो पूरा। तो इसके लिए मैंने एक देशभक्ति, देश प्रेम का एक गीत लिखा है, उसे मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, कृपया सुनिएगा। इसको मैंने अपना शीर्षक दिया है प्यारा भारत देश मेरा। तो प्रस्तुत है, युगों युगों से जगत गुरु है भारत का सुंदर परिवेश। युगों युगों से जगत गुरु है भारत का सुंदर परिवेश। आदिकाल से विजय दुंदुभी बजा रहा है भारत देश। युगों युगों से जगत गुरु है भारत का सुंदर परिवेश। आदिकाल से विजय दुंदुभी बजा रहा है भारत देश। धर्म और विज्ञान का उद्भव भारत है यह भूल न जाए। धर्म और विज्ञान का उद्भव भारत है यह भूल न जाए। प्यारे भारत देश के वैभव का परचम फिर से लहराए। देश असंख्य है विश्व में, लेकिन
भारत है सबका सम्राट, उत्तर में उत्तुंग हिमालय, दक्षिण में है जलधि विराट। उत्तर में उत्तुंग हिमालय, दक्षिण में है जलधि विराट। अद्भुत, अनुपम, अतुलनीय इस भव्य देश की गाथा गाएं, प्यारे भारत देश के वैभव का परचम फिर से लहराएं। मैंने कोशिश की है कि इसमें कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का संदर्भ दे सकूं, लेकिन छोटी सी पंक्तियों में सिमटना और सभी चीज़ें लेना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो की है मैंने। वेदों की ये श्लोक ऋचाएं, वेदों की ये श्लोक ऋचाएं, अमीय सुधा से दे संस्कार। वेदों की ये श्लोक ऋचाएं, अमीय सुधा से दे संस्कार। गंगा यमुना माता सम सरिताएं दे शुचि सलिल की धार। गंगा यमुना माता सम सरिताएं दे शुचि सलिल की धार। इस निधि के सम्मुख व्यर्थ है जग की सारी संपदाएं। इस निधि के सम्मुख व्यर्थ है जग की सारी संपदाएं, प्यारे भारत देश के वैभव का परचम फिर से लहराएं। शौर्य सदा जिस देश का दीपक, शौर्य सदा जिस देश का दीपक, और विजय वर्तिका जिसकी, कोई तिमिर भी रोक सका ना, दीप दीप उज्ज्वल हस्ती उसकी। दैदीप्यमान भारत प्रकाश से, दैदीप्यमान भारत प्रकाश से, अखिल सृष्टि हम जगमगाएं। दैदीप्यमान भारत प्रकाश से, अखिल सृष्टि हम जगमगाएं, प्यारे भारत देश के वैभव का परचम फिर से लहराए। देश के जाबाजों की सुनते थे, देश के जाबाजों की सुनते थे हम शौर्यमयी गाथा। वे सुभट वीर रण आंगन में भरत माँ को टेके थे माथा। वे सुभट वीर रण आंगन में भरत माँ को टेके थे माथा। थर्राता था काल भी जिनसे डरती थी जिनसे बलाएं। ठर्राता था काल भी जिनसे डरती थी जिनसे बलाएं, प्यारे भारत देश के वैभव का परचम फिर से लहराएं। गर यही दृढ़ संकल्प रहा तो वह दिन दूर नहीं है भैया। गर यही दृढ़ संकल्प रहा तो वह दिन दूर नहीं है भैया, शीघ्र ही भारत देश बनेगा पुनः एक दिन सोन चिरैया। आओ हम इस महाभूमि का विश्व से परिचय पुनः कराएं, प्यारे भारत देश के वैभव का परचम फिर से लहराएं, प्यारे भारत देश के वैभव का परचम फिर से लहराएं। धन्यवाद। निहारिका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि आप लघु कथा सुनने के इच्छुक हों तो कुछ कथाएँ भी लेकर आई हूँ मैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसके पहले मैं उन मजदूरों के लिए कुछ कहना चाहूँगी जो लॉकडाउन पीरियड में बेरोजगारी के चलते हर तरह से आहत हुए और अपने घरों को उन्होंने कुछ किया पैदल ही, जिसमें कुछ अपने घर पहुंच पाए कुछ नहीं पहुंच पाए। उनके लिए बहुत अफसोस होता है सुनकर, मन आहत होता है। तो कुछ शब्द मैंने उनके लिए लिखे हैं। कैसी यह मजबूरी के नाम से, कैसी यह मजबूरी, घर से दूर बेघर मजदूर, रोजगार चूर चूर। घर से दूर बेघर मजदूर, रोजगार चूर चूर, भूखे प्यासे और मजबूर। रोजगार चूर चूर, भूखे प्यासे और मजबूर। आई यह विनाशक विपत्ति क्रूर। पास नहीं कौड़ी, संग परिवार भरपूर।
पास नहीं कौड़ी, संग परिवार भरपूर, भले ही पैदल जाएंगे पर घर पहुंचेंगे जरूर, भले ही पैदल जाएंगे घर पहुंचेंगे जरूर, नहीं यहाँ रोजी रोटी इज्जत शहरी है निष्ठुर, नहीं यहाँ रोजी ना इज्जत शहरी होते हैं निष्ठुर। इसी पर एक दो कविताएं और लिखी हैं छोटी छोटी, सुनिएगा। गए हम हार, मजदूर अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। गए हम हार मचा हाहाकार, गए हम हार मचा हाहाकार, हुए बेघर बेरोजगार, पड़ी है किस्मत की मार, हुए बेघर बेरोजगार, पड़ी है किस्मत की मार, लेकर घर परिवार है विकल, लेकर घर परिवार है विकल, पैदल ही घर को पड़े हैं निकल, लेकर घर परिवार है विकल, पैदल ही घर को पड़े हैं निकल, जहाँ कुछ नहीं मगर लोग तो अपने हैं। यहाँ तो लोगों ने इनको अपने घरों से निकाल दिया, बेरोजगारी का आलम यह हुआ कि ना तो खाने को ना रहने को, हालत ये हुई कि परिवार को लेके निकल पड़े। जहाँ कुछ नहीं मगर लोग तो अपने हैं, साथ दुख की गठरी है मैं कुछ बिखरे सपने हैं, साथ दुख की गठरी में कुछ बिखरे सपने हैं। अगली देखिए कविता। पैरों में छाले रोटियों के लाले, पैरों में छाले रोटियों के लाले, नहीं मुख में निवाले, पाँव ही है जाने का साधन, पाँव ही है जाने का साधन, बक्सा पेटी बने मासूम का वाहन, बक्सा पेटी बने मासूम का वाहन, जो कोई न कर सका यह कष्ट सहन, जो कोई न कर सका यह कष्ट सहन, दुखियारों ने बीच में बीच मार्ग में ही उसे किया नमन, दुखियारों ने बीच मार्ग में ही उसे किया नमन, अब कितने और दुख दिखलाएगा हे भगवान, अब कितने और दुख दिखलाएगा हे भगवान। ये कविता मैंने जब लिखी थी, जब पता चला कि एक पति पत्नी अपने घर तक पहुंचने के पहले उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, वो घर बिल्कुल पहुंचने ही वाला था और उसने फिर जाके घर पे खुद आत्महत्या कर ली। तो बड़े बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं जीवन में, हम तो फिर भी अपने घरों में बैठे हैं, लोगों ने क्या क्या नहीं सहन किया। एक कविता और सुनिए। हे काली, माता को आह्वान कर रहे हैं, हे काली ये कैसी बदहाली, हे काली ये कैसी बदहाली, पेट भूखा हाथ खाली, पेट भूखा हाथ खाली, भूखे भूखे बेबसों की आंखें हैं सवाली, भूखे बेबसों की आंखें हैं सवाली, हाय कैसे ख़त्म करें यह पटियाली, हाय कैसे ख़त्म करें यह पटियाली, कब होगी भोर, कब होगी भोर जिसकी है यह रात काली, कब होगी भोर जिसकी है यह रात काली, महाविपदा ने की भेंट मजदूरों को यह कंगाली, महाविपदा ने की भेंट मजदूरों को यह कंगाली, दूर कर विपन्नता माँ, दूर कर विपन्नता माँ, इनको दे दे तू खुशहाली, इनको दे दे तू खुशहाली। माता से प्रार्थना है कि सबका भला करें और यह बीमारी इस देश से क्या पूरे संसार से ही गायब हो और हम पहले की तरह खुशहाल हों और सब कुछ सामान्य हो जाए। अभी अभी एक प्रकरण काफ़ी चर्चा में रहा, अयोध्या वाला। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने की जो नींव रखी गई वो हम लोगों के लिए, हमारे भारतीय जनों के लिए इतनी खुशी की बात थी जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। उसका एक सपना ही था कि ये शायद सपना ही रहेगा और इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन ये उम्मीद भी पूरी हुई और वह शुभ घड़ी आई और हमने वह भी देखा, चाहे वहाँ जाकर नहीं देखा लेकिन दूरदर्शन पे ही उसके दर्शन किए और बहुत आनंद उठाया इस चीज़ का। तो उस समय मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, इसके बारे में आपको सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे। धन्यवाद मुकेश जी, गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
क्षमा करें, थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं जरा असंतोष में संतुष्टि है राम, सर्वज्ञ भी है समष्टि है राम, कोटि कोटि वर्षों से है सिद्ध चतुर्दिक हमारी सृष्टि है राम। राम के बारे में क्या कहा जाए, राम के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उनकी उनकी तुलना, उनकी तारीफ, उनकी गुणगान, उनकी प्रशंसा हमारे शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी हमने प्रयत्न तो हर भक्त करता ही है कि कुछ ना कुछ उनके चरणों में समर्पित करें। उसी आधार पर मैंने भी जय श्री राम के नाम से एक कविता लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत है। अतुलनीय छवि सुंदर न्यारी, अतुलनीय छवि सुंदर न्यारी, दशरथ नंदन राम, धीर भीर गंभीर वदन है प्रमुदित करुणा निधान। पुरुषोत्तम हो तुम जगपालक, पुरुषोत्तम हो तुम जगपालक, अवध दुलारे लाल, आज खड़ी वह शुभ घड़ी जिसकी बाट जोहे कई साल, आज खड़ी वह शुभ घड़ी जिसकी बाट जोहे कई साल। जन जन की तुम आस्था, जन जन की तुम आस्था, मन मन की तुम आस, जन जन की तुम आस्था, मन मन की तुम आस, आन बसो सिंहासन अपने भक्तों की बुझा दो प्यास, आन बसो सिंहासन अपने भक्तों की बुझा दो प्यास, सृष्टि के हर रूप में जिस प्रभु सत्ता का है वास, सृष्टि के हर रूप में जिस प्रभु सत्ता का है वास, है आज अयोध्या के गणकण में उसका ही आभास। अयोध्यावासी उस दिन क्या महसूस कर रहे होंगे, ये सब कुछ सोच के परे है। हर्षित है पर्ण पर्ण और तृण तृण खुशियों से गाता, हर्षित है पर्ण पर्ण और तृण तृण खुशियों से गाता, भारत ही नहीं पूरे विश्व में श्री राम की भक्ति का डंका बजाता, हर्षित है पर्ण पर्ण और तृण तृण खुशियों से गाता, भारत ही नहीं पूरा विश्व श्री राम की भक्ति का डंका बजाता। अवधपुरी की सभी दिशाएं, अवधपुरी की सभी दिशाएं बोल उठी हैं आज, अवधपुरी की सभी दिशाएं बोल उठी हैं आज, हर मन हो रहा है प्रमुदित, हर मन हो रहा है प्रमुदित, रामलला घर रहे विराज। आज रामलला अपने घर पर आए हैं, अभी तक टेंट में रह रहे थे तो आज उनको अपना घर नसीब हुआ है, इसलिए सब बहुत खुशी मना रहे हैं। राम हमारे हृदय बसे हैं हर पल मुख पर उनका नाम, राम हमारे हृदय बसे हैं हर पल मुख पर उनका नाम, सब बोलो सब मिल बोलो जय राम जय राम, जय 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 श्री राम। धन्यवाद। वैसे मैंने नारी सरोकार पे, नारी विमर्श पे भी काफ़ी कुछ लिखा है और बेटियों पर भी, तो बेटी का तो आपको भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर ही दिया, अब मैं चाह रही हूँ कि नारी विमर्श पे भी कुछ हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि यह भी एक बहुत ज्वलंत विषय है। ज्वलंत क्या, ये हर सदी हर युग में चलता ही रहा है। नारी को अब अपनी अस्मिता बचाने के लिए खुद आगे आना होगा और वो धीरे धीरे होता जा रहा है, और अपने बल पर ही वो अपनी सुदृढ़ स्थिति बना सकती है। यही, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक दिया है न आसान परिभाषा तुम्हारी, न आसान परिभाषा तुम्हारी। रेखा जी धन्यवाद आपको, गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। न आसान परिभाषा तुम्हारी, दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी की होती, दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी की होती, प्रतिबिंबित छवि जिसमें वह होती है नारी, दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी की होती, प्रतिबिंबित छवि जिसमें वह होती है नारी। घर परिवार की खातिर जग पर पड़े जो अकेली ही भारी, घर परिवार की खातिर जग पर पड़े जो अकेली ही भारी, वह होती है नारी। जिसके निज अंतस में, जिसने निज अंतस में छिपा रखी है जग की, जिसने निज अंतस में छिपा रखी है जग की तकलीफें सारी, वह होती है नारी। धन्यवाद मुकेश जी।
वह जो नानी दादी है, वह जो नानी दादी है, बहना है, बेटी है, और जो माता है हमारी, वह जो नानी दादी है, बहना है, बेटी है, और जो माता है हमारी, वह होती है नारी। जिसके कोमल उर के सम्मुख, जिसके कोमल उर के सम्मुख करुणा और ममता भी हारी, जिसके कोमल उर के सम्मुख करुणा और ममता भी हारी, वह होती है नारी। वह जिसने संवारी और सजाई, वह जिसने संवारी और सजाई हर मनुष्य के जीवन की, वह जिसने संवारी और सजाई हर मनुष्य के जीवन की हर एक क्यारी, वह होती है नारी। संदीप जैन जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपनों पर आई आँच जो तो कर लेती है महाविनाश की तैयारी, अपनों पर आई आँच जो तो कर लेती है महाविनाश की तैयारी, वह होती है नारी। अपनों पे कष्ट आता है तो वो सब कुछ करने को तैयार होती है, नारी की ये विशेषता है। विधाता ने शुभ हाथों से सृजित की सृष्टि की कृति, विधाता ने शुभ हाथों से सृजित की सृष्टि की कृति, जो सबसे प्यारी, वह होती है नारी। अंतिम पंक्तियां मैंने सबको संबोधित की है नारी वर्ग को। तुम ना अबला ना निरीह ना ही हो बेचारी, नहीं सरल परिभाषा तुम्हारी। जय नारी, जय 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 नारी। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण, ये भी मेरा प्रिय विषय रहा है हमेशा। नारी विमर्श, बेटियाँ, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, इस पर भी मैंने लिखा है, लिखने की कोशिश की है काफ़ी, तो उसके बारे में एक आपको रचना सुनाती हूँ मैं। नदी के जो नदी का दर्द है उसको मैंने शब्दों में व्यक्त किया है। चेतावनी शीर्षक दिया है, चेतावनी। मैं कलकल बहती जाती थी तरंगिनी थी कहलाती, मैं कलकल बहती जाती थी तरंगिनी थी कहलाती, मैं अपने एक एक बेटे को शुद्ध नीर थी पहुँचाती, मैं अपने एक एक बेटे को शुद्ध नीर थी पहुँचाती। दिया दायित्व प्रकृति ने सृजित सृष्टि पोषण का, परंतु मानव पर है जुनून प्रकृति के अवशोषण का। नष्ट किए पर्वत और कानन, मुझको कर डाला बेघर। नदी की दर्द को सुनिए आप। नष्ट किए पर्वत कानन, मुझको कर डाला बेघर, शने शने हौसला बढ़ा और नगर बस गए मेरे अंदर, शने शने हौसला बढ़ा और नगर बन गए मेरे अंदर। कई नदियों के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें मुंबई की मीठी नदी के बारे में, जो कि वो शहर के बीच में से बहती थी कभी, और उस पर लोगों ने पूरी कॉलोनियाँ बसा ली, अब तो पूरा बॉम्बे उसके ऊपर बसा हुआ है, तो उसके कारण वहाँ बाढ़ की स्थिति क्या होती है आप देखते हैं। नगर बस गए मेरे अंदर, समाप्त है मेरी निर्मलता, जमी गंदगी मेरे तल, समाप्त है मेरी निर्मलता, जमी गंदगी मेरे तल, और उथली हुई मेरी गहराई, और समाएगा कैसे वर्षा जल।
जब गहराई नहीं है उसमें तो वो ऊपर ही आएगा पानी। उथली है मेरी गहराई, समाएगा कैसे वर्षा जल। हरितिमा की कर हत्या, हरितिमा की कर हत्या, बने कंक्रीटों के जंगल। हरितिमा की कर हत्या, बने कंक्रीटों के जंगल, और मिट्टी वसुंधरा की उर्वरा, बढ़ गया बाढ़ों का दखल। सारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई, बारिश में वो सब बह के चली गई, बाढ़ों में उसको बहा दिया तो वो बंजर जमीन हो गई। मिट्टी वसुंधरा की उर्वरा, बढ़ गया बाढ़ों का दखल। मैं नदिया मैं तटिनी मैं सरिता, मैं नदिया मैं तटिनी मैं सरिता, कहती तुझसे सुन मानव, कहती तुझसे सुन मानव, अब तो जा हो चैतन्य अन्यथा, अब तो हो जा चैतन्य अन्यथा, उपजेगा जल संकट दानव, उपजेगा जल संकट दानव। धन्यवाद। तो ये तो मानी हुई बात है कि वर्षा जरूर होती है, लेकिन पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, गहराती जा रही है। सुनने में आ रहा है 2023 के बाद कुछ परसेंट ही जल रहेगा भारत में लोगों के पीने के लिए, और वो त्राही त्राही मचने का की आशंका व्यक्त करते हैं। जो भूविद लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो मानव की करतूत हैं वो उन पर ही भारी पड़ रही हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए प्राकृतिक संरक्षण। एक दूसरे को समझाएं, आप भी ना करें और दूसरे को भी पर्यावरण से छेड़छाड़ ना करने दें, यही संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है समय समाप्ति पे है, मैं आपको एक लघु कथा सुनाना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा समय ले रही हूँ मैं। एक लघु कथा मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, उसका शीर्षक दिया है अनकहे रिश्ते। तो संवादों को मैं बोलती हूँ, आप सुनिएगा। वह मुस्कुराई और धीरे 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 चलकर मेरी ओर आने लगी। न जाने क्यों मुझे भी बड़ी बेकरारी से रोजाना उसका इंतजार रहता था, और मेरी मुस्कान देखकर वह भी खिलखिला के हंस पड़ती थी, और साथ में मैं भी रोज यही चल रहा था। बस इतनी सी मूक प्रतिक्रिया थी हम दोनों के बीच, और इसके अलावा हमारे मध्य कोई संवाद नहीं था। मॉर्निंग वॉक में यदि सुबह सुबह में उसका प्यारा मुखड़ा न देखो तो मेरा दिन अच्छा नहीं निकलता था। यह बात मैंने काफ़ी गौर की थी। खैर साहब, अब तो रोज़ का रूटीन हो गया, और मॉर्निंग वॉक पर एक गुरुत्वाकर्षण सा मुझे पार्क की तरफ खींच लाता। घर के सदस्य भी मुझ पर हंसने लगे, लेकिन मेरा मन उसके साथ एक रिश्ते की तरह जुड़ गया था। घर जाकर वही भागम भाग, ऑफिस की तैयारी, सही 10 बजे ऑफिस पहुंचना, गाड़ी पार्क की और जुट गए ऑफिस के कामों में। फिर शशि जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत स्वागत है आपका, मुझे उम्मीद थी आप ज़रूर आएंगे। 10 बजे ऑफिस के सामने गाड़ी पार्क की, और फिर शाम 5 बजे तक सिर उठाने की फुर्सत भी नहीं मिली। हाँ, मगर उसकी याद और उसका प्यारा सा चेहरा जहन से छूट ही नहीं पाता। काम करते करते भी बार बार उसके ख्यालों में हो जाना, पता नहीं क्या रिश्ता था उसका मुझसे। ऑफिस से आकर घर आकर चाय बनाकर पी, फिर कुछ देर आराम किया, क्योंकि आज शाम को स्टाफ के किसी सहयोगी के जन्मदिन की आयोजन में जाना था मुझे। फिर उसके आंखों के आगे वही चेहरा। ऐसा कौन सा पूर्व जन्म का रिश्ता है उससे जो बार बार याद आती है। कल तो पार्क में पूछना ही है कि वह कौन है और किसकी बेटी है। खैर, दूसरा दिन भी आ गया। दूसरे दिन आज पार्क में घूमते समय बहुत मन उदास है, वो दिखाई नहीं दी ना। कुछ पता करने पर मालूम हुआ कि वह तो बीमार हो गई है, पास के फ्लैट में ही रहती है अपने मम्मी पापा और दादी के साथ। चलो कुछ तो पता चला। लता कुसुम जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका बहुत बहुत।
एक सप्ताह बाद मॉर्निंग वॉक करते हुए फिर उसकी याद तो जहन से जा ही नहीं रही थी ना, उसकी याद आ रही थी घूमते हुए कि अकस्मात पीछे से एक मीठी सी घंटी सी बजी, आंटी, और फिर वही खिलखिलाहट। मेरी तो जैसे बाछी खिल गई। वह दोनों बाहें फैलाकर मेरी ओर दौड़ी। मैं भी दौड़कर उसके पास जा पहुंची और उसकी दादी और माँ की परवाह भी नहीं की, उनके बिना परवाह किए और लपक कर उसको गोदी में उठा लिया और कलेजे से लगा लिया। दादी जी भी हंसने लगी। दादी ने हंसते हुए बताया, बहुत याद करती है आपकी, उन तोहफी वाली आंटी के पास ले चलो, उन तोहफी वाली आंटी के पास ले चलो, वो बहुत अच्छी है। यह रटन ये बुखार में भी करती थी, उसकी माँ बोली। माफ़ कीजिएगा, मैंने तो कभी बच्ची का नाम भी नहीं पूछा, मगर अंदरूनी लगाव इससे इतना हो गया था, इस कदर हो गया था कि एक दिन भी इसको ना देखूं तो मन बेचैन हो उठता है। बच्ची इतनी खुश, मेरे कलेजे से लगी हुई और उतरने का नाम नहीं ले रही। दादी बोली, कुछ अनकहे रिश्ते होते ही हैं जो अनजाने में बन जाते हैं, और उनका कोई नाम नहीं होता, उन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता बेटा, लेकिन उनकी अपनी अलग एक मिठास होती है, शायद पिछले जन्मों के किसी नाते की वजह से। यही रिश्ता है आपका और ऋषु का, यही रिश्ता है आपका और ऋषु का। जी सही फरमाया माँ जी, मैं यही बोली। मैंने आज जाना कि मेरे इस अनकहे प्यारे से मासूम रिश्तेदार का नाम था ऋषु, और ऋषु थी कि गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। धन्यवाद। अब समय समाप्ति पर है और आपका मनोरंजन तो मैंने किया, लेकिन किस हद तक किया और कितना अच्छा लगा आपको, आप कमेंट से बताएंगे। आपके कमेंट्स के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपकी टिप्पणियों का मैं हाथों हाथ जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो इतना संभव नहीं था मेरे लिए। ये तो आजकल के बच्चे और युवा वर्ग कर पाते हैं, हम लोग नहीं। तो मैं आप तसल्ली से आप सबके टिप्पणियों को पढ़ूंगी। आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और मुझे यहाँ सुना, और इसके साथ ही मैं आदरणीय देवेंद्र जोशी जी का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इस समृद्ध मंच पर मुझे बुलाया, और जन सरोकार मंच की सारी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।